हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक, बहुत ही धमाकेदार टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूं। गाइस, आप देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर रखे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही यूनिक टाइप के टॉयज। सो गाइस, आज हम करने वाले इतने सारे टॉयज का रिव्यू। और गाइस, आप देख सकते हैं सारे टॉयज आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग बेन 10 टॉय कलेक्शन होने वाला है। इसके अंदर ज्यादातर टॉय बेन 10 वाले हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के टॉयज भी हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको बेन 10 थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की, बहुत ज्यादा मजेदार चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहां पे कुछ वॉचेस हैं, स्वॉर्ड है, बबल गन है, बहुत ये देखो वॉचेस है यहां पर, और ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स है, मॉन्स्टर ट्रक है, एक ये आरसी रिमोट कार है गाइस, देखो वॉकी टॉकी है, एक ये मैजिकल पेन है जो कि गाइस फ्लोटिंग पेन होता है, देखो लेजर लाइट है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है गाइस हमारे पास यहां पर एक वॉकी टॉकी का सेट। ये देखो ये गाइस बेन 10 वाली वॉकी टॉकी, ये देखो यहां पे लिखा है बेन 10 ओमनीवर्स है ना, यहां पे वॉकी टॉकी लिखा हुआ है, क्लियर साउंड लिखा हुआ है। ये सेट मुझे मिला है 420 रुपए का ऑफलाइन मार्केट से। सो गाइस 420 रुपए इसका प्राइस काफी ज्यादा है, तो देखें गाइस इस प्राइस के हिसाब से ये चीज कैसी है ना। और गाइस मैंने इसको पहले भी यूज करके देखा है तो बहुत ही अमेजिंग साउंड इसके अंदर से आता है, मतलब ये जो वॉकी टॉकी है ना अच्छे तरीके से वर्क करती है। सो गाइस ये देखो वॉकी टॉकी कुछ ऐसी दिखाई देगी, तो पहले दोनों को बाहर निकाल लेते हैं है ना। और गाइस ये देखो दूसरी वाली वॉकी टॉकी को भी मैंने बाहर निकाल लिया है, और गाइस इसको पहले यहां पे रख लेते हैं ये देखो। और गाइस अब देखो वॉकी टॉकी मेरे हाथ में और दोनों गाइस कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग है ना। और इनके जो कलर्स हैं वो आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल है। यहां पे लिखा है बेन 10 ओमनीवर्स वॉकी टॉकी, यहां पे लिखा हुआ है क्लियर साउंड लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर से क्लियर साउंड भी आने वाला है। और गाइस इसके अंदर बैटरीज थोड़ी अलग टाइप की डली है ना, और बैटरीज कैसी डली है मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड का वेट कीजिए, इसको ओपन करता हूं मैं। सो गाइस ये देखो मैंने इसे ओपन कर लिया, और गाइस इसके अंदर जो बैटरीज है वो कुछ ऐसी वाली बैटरीज है, नॉर्मल डबल ए बैटरी इसके अंदर नहीं लगती है। और गाइस ये देखो मैं बैटरी को इसके अंदर डाल के आपको दिखाता हूं, और गाइस ये देखो थोड़े एफर्ट लगते हैं इस बैटरी को अंदर पैक करने में। ये देखो गाइस यहां से मैंने इसको कर लिया है बंद, और यहां से हम इसको कर लेंगे लॉक, और उसके बाद मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। ये देखो यहां से मैं इसको कर लेता हूं लॉक, और गाइस ये देखो हमारा जो वॉकी टॉकी है वो वर्क करने के लिए रेडी है। अब गाइस देखो यहां पे बटन है, अगर हम इस बटन को दबा के बोलेंगे तभी दूसरे वॉकी टॉकी के अंदर साउंड जाता है। अब गाइस ये देखो यहां पे बटन है, यहां से मैं इसको ऑन करता हूं, ये देखो साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा है ना। और जो इसका एंटीना है, एंटीने का साइज देखो, हाथ में पकड़ेंगे तो ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। दूसरी वाली वॉकी टॉकी भी मैं ऑन कर लेता हूं, ये देखो दोनों का साउंड आ रहा है। अब मैं इस वाली से बोलूंगा और आपको सुनाई देगा, देखना गाइस ये वाला बटन दबाऊंगा, ये देखो ऐसे बटन दबाऊंगा, सॉरी ये वाला बटन ऐसे दबाऊंगा और बोलूंगा तो भाई साउंड आएगा। देखो हेलो हेलो हाउ आर यू, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आपने सुना कि इसके अंदर से साउंड आता है, बट सिंपली हमें इस बटन को दबा के बोलना होता है। देखो मैं ये वाली वॉकी टॉकी से बोलता हूँ, इसके अंदर साउंड आएगा। हेलो हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू, वेलकम बैक टू माई चैनल टेंगो चार्ली, टेंगो चार्ली। सो गाइस आप देख सकते हैं दोनों वॉकी टॉकी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। देखो यहाँ पे इसके बटन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको भी ऑफ कर देता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं इसका साउंड भी बंद हो गया है और इसका कवर यहां से खुल गया है, मैं इसको लगा लूंगा बाद में है ना। सो गाइस 100 मीटर के आसपास इसकी रेंज आराम से होगी, 100 मीटर तक इसका साउंड आराम से चला जाएगा। 420 रुपए की वॉकी टॉकी है, काफी ज्यादा अमेजिंग है ना। और गाइज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इसको यूज करके, तो इनको गाइज फिलहाल यहां पे रख लेते हैं। अगर आपने कभी वॉकी टॉकी यूज किया है तो कमेंट में जरूर बताना। और गाइज इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास है यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सी बड़े साइज की बेन 10 वाली कॉपी वाली, ये कुछ इस तरह की आरसी कार, ये साउंड कार है गाइज, ये बेन 10 की कॉपी करके बनाई गई है, मतलब एक्चुअल बेन 10 इसके ऊपर नहीं बना हुआ। ये देखो यहां पे ये माई किड्स 10 सुपर एलियन कार के नाम से आती है देखो, और यहां पे बेन 10 वाला कैरेक्टर बना भी हुआ है। तो गाइज मैं इसको बाहर निकालता हूं है ना, और आपको दिखाता हूं जो हमारी गाड़ी है वो कैसी दिखाई देती है, काफी अमेजिंग है गाइज। इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और गाइज इसका बॉक्स पहले मैं ओपन कर लेता हूं, ये देखो कुछ ऐसी ये दिखाई देगी। तो गाइज पहले बॉक्स बंद कर लेते हैं है ना, और बॉक्स में आपको ओवरऑल दिखाता हूं कैसा दिखाई देता है। ये भी मुझे 450 रुपए के आसपास मिली थी, ये देखो कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। तो गाइज जब मैं आपको गाड़ी दिखाता हूं उससे पहले बॉक्स को गाइज यहां पे रख लेते हैं, और जो हमारी गाड़ी है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये देखो गाइज कार का साइज देखो, कार के व्हील्स देखो, ये देखो
है ना, कितना ज्यादा अमेजिंग। और गाइस सारी चीजें मैं बाहर निकाल लेता हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। ये इसका चार्जिंग केबल, इससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं, तो चार्जिंग केबल को फिलहाल साइड में रख लेते हैं। और गाइस जो इसके साथ रिमोट कंट्रोल आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और गाइस अनपैक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये देखो, ये है इसका रिमोट कंट्रोल, ये आगे पीछे करने के लिए, ये लेफ्ट राइट करने के लिए। ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका एंटीना भी आप देख सकते हैं, और जो कार है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके व्हील्स देखो गाइस, कितने बड़े साइज के इसके व्हील्स हैं। और गाइस ये एक स्टंट कार है, जो कि गाइस इसके आगे वाले टायर कुछ इस तरह से घूमते हैं और चलते टाइम ये स्टंट करती है। और गाइस ये हर कंडीशन में चल जाती है। सो गाइस देखते हैं इसके अंदर बैटरीज है या नहीं है। ये देखो बैटरीज मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर से कुछ इस तरह का साउंड कंटिन्यू आता रहता है और लाइट भी जलती रहती है। ये देखो लेफ्ट राइट बोलती रहती है। और गाइस देखते हैं ये वर्क करती है नहीं। ये देखो गाइस ये अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, देखो है ना। मैं आपको इसको आउटडोर में भी चला के दिखाऊंगा। और गाइस ये देखो इस वाले बटन से स्टंट करती है कुछ इस तरह से। तो गाइस सिंपली हम करते हैं कि इसको आउटडोर में लेके चलते हैं और इसको यूज करके देखते हैं कि गाइस ये किस तरह से परफॉर्म करती है, हमारी जो स्टंट कार है ये कैसे वर्क करती है। सो गाइस ये देखो बेंटन स्टंट कार को मैं आउटडोर में लेके आ गया हूं। और गाइस आप देख सकते हैं ये फर्श पे रखने के बाद कितनी ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रही है। ये है इसका रिमोट कंट्रोल। और गाइस इसके व्हील्स देखो कितने बड़े हैं। यहां पे इसके ऑन ऑफ का बटन है, और जैसे ही गाइस ये देखो मैंने ऑन ऑफ का बटन स्टार्ट किया, यहां पे इसके अंदर साउंड आना शुरू हो गया। और गाइस हम इसको चलाने वाले हैं। सो गाइस ये देखो कुछ इस तरह से बहुत ही स्पीड से आगे और पीछे चलती है। ये देखो गाइस वाओ, है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस स्पीड के मामले में। और गाइस ये देखो मैं इसको स्टंट भी कराऊंगा, हर तरीके से इसको यूज करेंगे। और देखो इसका एक टायर हवा में है, उसके बावजूद भी ये देखो किस तरह से स्टंट कर रही है ना। और गाइस ये देखो इसके आगे के टायर कुछ इस तरह से घूमते हैं। और गाइस ये किसी भी एंगल में फंस जाएगी ना तो गाइस आप इसको आराम से चला सकते हो, मतलब ये कहीं भी फंसेगी नहीं, कहने का मतलब ये है। और गाइस ये देखो कितने अमेजिंग तरीके से ये स्टंट कर रही है, ये देखो, है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस। और जब इसको बहुत ही स्पीड से चलाना चाहें तो आगे से एकदम से उछल भी जाती है ये। और गाइस ये देखो इसका एक टायर हवा में करके अगर आप इसको चलाना चाहें तो भी ये चलती है, और इसी वजह से गाइस ये स्टंट कार बहुत ही अमेजिंग है। देखो उल्टी हो गई थी, मैंने एक ही सेकंड में इसको सीधा कर लिया। और गाइस ये देखो किस किस तरह से ये वर्क कर रही है। अगर आप इसको खुद अपने हाथ में रिमोट लेके चलाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। 500 रुपए के आसपास इसका प्राइस है। और गाइस जिस तरह से ये चलती है, इसे चलाने में मजा बहुत आता है। ये देखो, है ना, इसके व्हील्स बड़े बड़े हैं जिसकी वजह से इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा अमेजिंग दिखाई देता है। ये देखो गाइस, और गाइस ये देखो वाओ किस तरह से स्टंट कर रही है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया, अगर आपको भी मजा आया तो कमेंट में जरूर बताना। सो गाइज आपने देखा कि हमारी ये स्टंट कार कितने ज्यादा अमेजिंग तरीके से वर्क करती है, और जब इसके आगे वाले व्हील्स घूमते हैं तो गाइज ये कितनी ज्यादा अमेजिंग दिखाई देती है। और गाइज ये किसी भी कंडीशन में वर्क करती है, ये इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है। तो गाइज फिलहाल इसको यहां पे रख लेते हैं। अगर आपको भी ये कार पसंद आई तो कॉमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइज हमारे पास है यहाँ पर 3-4 डिफरेंट टाइप की बैन 10 वॉच। देखो 1, 2, 3, 4, पहले मैं आपको ये वाली दिखाता हूं, जो कि है गाइस एक बेन 10 की प्रोजेक्टर वॉच। ये आपको 100 से 150 रुपीस के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। और गाइस ये किस तरह की प्रोजेक्टर वॉच है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो यहाँ पे बेन 10 ओमनीवर्स लिखा हुआ है ना। और गाइस ओवरऑल ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। इस तरह की वॉचेज मैं आपको अलग अलग कैरेक्टर में पहले भी दिखा चुका हूं। ये देखो ये एक तरह की प्रोजेक्टर वॉच होती है, यहाँ पे इसके पीछे स्ट्रैप लगी होती है जिसको हटाने के बाद इसकी बैटरीज वर्क करती है। सो गाइस इसको मैं वापस लगा लेता हूं, है ना। और गाइस ये प्रोजेक्टर वॉच कैसे वर्क करती है यही मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइस आप ये देखो यहाँ पे बेन 10 अल्टीमेट एलियन लिखा हुआ है, और गाइस इस तरह के बेन 10 कैरेक्टर इसके ऊपर बने हैं। और हाथ में पहनेंगे तो गाइस ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, काफी कूल है ना। 2:57 इसके अंदर हो रखे हैं, यहाँ पे बटन है, इन बटन को दबाएंगे तो हम इसके अंदर टाइम भी सेट कर सकते हैं। और गाइस ये देखो इस वाले बटन को दबाऊंगा तो इस प्रोजेक्टर के अंदर से लाइट निकलती है, ये देखो, है ना। अगर हम प्लेन दीवार पर इस प्रोजेक्टर को चलाएंगे तो गाइस इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर आपको दीवार पर डिस्प्ले होंगे। 24 कैरेक्टर इसके अंदर से टोटल निकलते हैं। ये देखो ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर यहाँ पे लिखा, 24 कैरेक्टर इसके अंदर से निकलते हैं। तो गाइस हम सिंपली करते हैं ना, हम इसको प्लेन दीवार पर अंधेरे में यूज करके देख लेते हैं। गाइस ये देखो बेन 10 की प्रोजेक्टर वॉच मेरे हाथ में, अब हम इस प्लेन दीवार पर इस प्रोजेक्टर वॉच को यूज करेंगे। सो गाइस बटन ऑन करते हैं। और गाइस ये देखो जैसे ही मैंने बटन ऑन किया तो गाइस ये देखो दीवार पर बेन 10 का एक एलियन बन गया है, और इसके अंदर से जो लाइट आती है वो गाइस कुछ इस तरह से बाहर आती है, ये देखो, है ना। और गाइस देखो बटन दबने के बाद ये घड़ी है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग दिखाई देती है। और गाइस जब मैं आपको दीवार पर इसके कैरेक्टर दिखाता हूं, ये देखो जितनी बार मैं बटन को दबाऊंगा उतनी बार कैरेक्टर चेंज होगा, ये देखो, ये देखो गाइस वाओ। और गाइस अगर मैं इसको दीवार से दूर करूं तो इसका साइज देखो गाइस कितना बड़ा हो जाता है ना। और गाइस दीवार के पास ले जाऊंगा तो गाइस ये देखो कुछ इस तरह का इसके प्रोजेक्टर का साइज हो जाता है, ये देखो, है ना, कितना बड़ा प्रोजेक्टर एलियन इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देखो गाइस वाओ,
काफी ज्यादा अमेजिंग है। मुझे वॉच बहुत ज्यादा पसंद है गाइज, क्योंकि जो इसकी रोशनी है और जो इसका प्रोजेक्टर है वो काफी ज्यादा अमेजिंग तरीके से वर्क करता है। ये देखो गाइज, है ना, काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये देखो, और क्या देखो, कुछ इस तरह की लाइट इसके अंदर से आ रही है, मजा आ गया। सो गाइज, आपने देखा कि हमारी ये प्रोजेक्टर वॉच किस तरह से वर्क करती है ना, मजा आ गया, काफी ज्यादा अमेजिंग, और उसका प्रोजेक्टर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से वर्क भी कर रहा है, मजा आ गया। इसको यहां पे रख लेते हैं। और गाइज ये देखो, मेरे पास है यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सी बेंटन स्वॉर्ड, यानी कि तलवार। ये देखो यहां पे लिखा बेंटन एलियन फोर्स, है ना। और गाइज ओवरऑल ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहां पे इसके अंदर छोटी वाली बैटरीज डाली जाती है, है ना, जैसे कि वॉच के सेल होते हैं। और गाइज देखो यहाँ पे इसके बटन है, अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो इसके अंदर से साउंड आएगा, देखो, और लाइट जलेगी। जितनी बार हम बटन दबाएंगे उतनी बार अलग साउंड आएगा, देखो। अब मैं बटन दबाता हूं, ये देखो, दोबारा बटन दबाता हूं, ये देखो, तीसरी बार बटन दबाता हूं, चौथी बार बटन दबाता हूं, ये देखो, बार बार अलग साउंड आता है। उसके अंदर जो लाइट जलती है ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, और ये ग्लो करती है। अंधेरे में इसको यूज करेंगे तो और भी ज्यादा अमेजिंग लगेगी, है ना, अंधेरे में इसकी लाइट काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देगी। सो गाइज आप देख सकते हैं, काफी प्यारी सी बेंटन स्वॉर्ड मेरे पास है, इसको यहां पे रख लेते हैं। और गाइज इसके बाद हमारे पास है यहां पर एक बेंटन वाला बहुत ही अमेजिंग बबल गन टॉय, है ना। और गाइज ये देखो ये किस तरह का टॉय होता है, आपने देखा तो होगा ही। देखो यहां पे बेंटन ओमनिवर्स लिखा हुआ है, ये देखो गाइस, यहां से मैं इसको ओपन करता हूं। और गाइस ये देखो, इसके अंदर से हम बबल बना सकते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूं यहां पे, है ना। ये देखो गाइस, इसको गाइस हम कुछ इस तरह से हिलाएंगे तो इसके अंदर से बबल्स बनते हैं, देखो, है ना, दो चार बबल यहां पे बने भी हैं। एक बार और बनाता हूं, इसको आउटडोर में भी यूज करके देखेंगे गाइस। ये देखो, है ना, कितने सारे बबल्स बने हैं इसके अंदर से। सो गाइस हम सिंपली करते हैं इसको आउटडोर में चला के देखते हैं किस तरह से वर्क करती है। सो गाइज बबल स्वॉर्ड को मैं आउटडोर में लेके आ गया हूं, और गाइज आप देख सकते हैं जब हम इसको इस बॉटल के अंदर डिप करके बाहर निकालते हैं और इस तरह से हिलाते हैं तो गाइज आप देख सकते हैं मल्टीपल बबल्स इसके अंदर से बन जाते हैं। एक दो बार तो कम बबल बनते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बबल्स इसके अंदर से बन जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखो, है ना, थाउजेंड्स ऑफ बबल्स भी बन जाते हैं, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है गाइज ये। और इसे चलाने में मजा बहुत ही ज्यादा आता है, क्योंकि कभी छोटे बबल्स बनते हैं, कभी बड़े बबल्स बनते हैं। और गाइज आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ईजी है इसको यूज करना, है ना। और गाइस ये बेंटन वाले कैरेक्टर के साथ आई है तो ये और भी ज्यादा अमेजिंग बात है। इसको हम बबल बबल स्टिक भी कह सकते हैं, बबल स्वॉर्ड यानी कि तलवार भी कह सकते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं कितने सारे बबल्स इसके अंदर से बनते हैं। मेरे आसपास हवा थोड़ी ज्यादा चल रही थी जिसकी वजह से बबल्स इधर उधर भाग जा रहे हैं, ये देखो गाइस। सो गाइज आपने देखा कि इसके अंदर से कितने सारे बबल्स बनते रहते हैं, है ना, इसे चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है। और गाइज बच्चों को बेंटन बहुत ज्यादा पसंद है, और ये बेंटन वाले डिजाइन के साथ आती है, ये इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है। और गाइज कुछ टॉयज ना मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर के हैं, जो कि बेंटन वाले नहीं है, बट गाइज मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक बेंटन वाली बहुत ही अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो, है ना, बेंटन के सारे कैरेक्टर यहां पे बने हैं। और गाइस ये 3-in-1 ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके अंदर मल्टीवर्क है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले देखो यहां पे एक बटन है, इस बटन को दबाऊंगा तो गाइस देखो यहां से कंपार्टमेंट ओपन होता है। इसके अंदर यहां पे दो दो शार्पनर लगे हुए, देखो दो अलग अलग शार्पनर, एक पेंसिल को लंबा शार्प करेगा, एक पेंसिल को छोटा शार्प करेगा। और यहां से इसको बंद करते हैं, और गाइस देखो यहां पे हमारे पास इसके ऊपर 3D वाला बेंटन है। ये देखो अगर मैं ज्योमेट्री को ऐसे हिला रहा हूं तो ये देखो कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, ये देखो, है ना, कुछ इस तरह से कैरेक्टर चेंज होते हैं। और तो और गाइज हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो यहां पे इसके ऊपर एक कैलकुलेटर लगा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे मूव करेंगे तो कैलकुलेटर बाहर की साइड आ जाता है, और ये अच्छी तरीके से वर्क भी करता है। देखो यहां पे ऑन ऑफ का बटन है, मैंने कैलकुलेटर को ऑन किया, अब इसको यूज करके देखते हैं। 9 × 3 = ये देखो 27, तो इसका गाइज ये कैलकुलेटर भी अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे ऑफ का बटन है, देखो मैंने इसको बंद कर दिया है। और गाइज ये देखो दोबारा से हम इसको अंदर कर सकते हैं। और गाइज ये देखो यहाँ पे एक इसके अंदर लगी हुई है लाइट, यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को मैं दबाऊंगा तो गाइज ये देखो इसकी लाइट किस तरह से वर्क करती है। देखो अंधेरे में बहुत ही ज्यादा रोशनी इसके अंदर से आती है, है ना, अगर आप हम इसको प्रॉपर अंधेरे में यूज करेंगे तो गाइज ये स्टडी करने के लिए बहुत ही अमेजिंग लाइट है। सो गाइज आप देख सकते हैं ओवरऑल इसके अंदर इतने सारे फीचर हैं। और गाइज मैं इसको दूसरी साइड से ओपन करना चाहूं तो यहां से भी ओपन कर सकते हैं, और यहां पे 1 से 9 तक टेबल भी लिखी हुई है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की गाइज कैलकुलेटर वाली बहुत ही अमेजिंग सी बेंटन ज्योमेट्री बॉक्स है, इसको यहां पे रख लेते हैं। और गाइज कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो मेरे पास है यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सा फ्लोटिंग पेन, तैरने वाला पेन। अगर मैं इस पेन को गाइज यूज करूंगा तो इसके कलर ना पानी के ऊपर तैरते हैं। सो गाइज आपको ना मैं सिंपली इसको अच्छे से यूज करके दिखाता हूं, इसके अंदर काफी सारे कलर्स आते हैं और एक चम्मच आती है। सो गाइज इसको हम यूज करके देख लेते हैं।
सो गाइज अब हम मैजिकल फ्लोटिंग पैन को यूज़ करने वाले हैं। मैंने एक बहुत बड़े बाउल में एक पूरा भर के पानी रख रखा है और गाइज ये देखो अभी मैं ब्लैक मार्कर को यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइज हमारे पास यहाँ पर चम्मच है और जैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक राउंड सा सर्कल बना लेता हूँ और गाइज देखो मैं इसको पानी में डिप करूँगा और गाइज ये देखो ये फ्लोट करने लग जाएगा। ये देखो गाइज वाओ कितनी ईजिली इसने फ्लोट करना शुरू कर दिया है। और अगर आप इसके अंदर हाथ डिप करोगे तो आपके हाथ पर चिपक जाएगा। ये देखो मैं रेड कलर इस बार यूज़ करके देख रहा हूँ और गाइज ये देखो रेड कलर से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया। आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं और गाइज ये देखो इसको स्लोली स्लोली पानी के अंदर डिप करना होता है। अगर आप एकदम से डिप कर देंगे तो गाइज ये वर्क नहीं करेगा। स्लोली स्लोली डिप करेंगे तो गाइज ये देखो कुछ इस तरह से ये पानी पर फ्लोट करने लग जाता है। और गाइज ये देखो ब्लैक कलर और रेड कलर दोनों फ्लोट कर रहे हैं। और गाइज इस बार मैं पिंक कलर को यूज़ कर रहा हूँ और गाइज आप देख सकते हैं पिंक कलर से मैं इसके ऊपर एक सीधी लाइन बना रहा हूँ। और गाइज ये देखो मैंने सीधी लाइन बना ली है, थोड़ा सा गाढ़ा इसको कर लिया है ताकि आराम से फ्लोट कर पाए। और गाइज ये देखो जैसे इसको पानी के अंदर डिप करते हैं देखो फ्लोट करना ये शुरू कर देता है। आपको दिखाई तो दे ही रहा है गाइज, है ना कितना अमेजिंग। वाह यार इसे यूज़ करने में मज़ा बहुत आया। और गाइज आप देख सकते हैं तीनों कलर अलग अलग कलर आराम से फ्लोट कर रहे हैं। और इस बार मैं ब्लू कलर इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, पर्पल कलर भी इसको कह सकते हैं। और गाइज ये देखो थोड़ा सा मैंने इसको चलाया और जैसे ही मैंने इसको पानी के अंदर डिप किया सो गाइज आप देख सकते हैं ये भी पानी पे फ्लोट करना शुरू कर रहा है। और गाइज ये देखो वाओ ये देखो गाइज इसने भी पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दिया और हमारे चारों अलग अलग कलर पानी पे फ्लोट कर रहे हैं, मज़ा आ गया गाइज। सो गाइज आपने देखा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, है ना, और इसके कलर कितने ब्यूटीफुल तरीके से पानी के ऊपर तैरते हैं, मजा आ जाता है गाइज, है ना। मैंने आपको कम कैरेक्टर बना के दिखाए, आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और इसके कैरेक्टर जब पानी के ऊपर तैरते हैं तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। सो गाइज इसको यहाँ पे रख लेते हैं और इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पे ना छोटे छोटे टॉयज हैं। देखो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक साउंड एंड लाइट वाली बेंटेन वॉच, ये देखो यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो इसके अंदर बेंटेन बना हुआ है, पूरे पट्टे के ऊपर हर जगह पर बेंटेन बना हुआ है। देखो यहां से हम इन दो बटन से टाइम सेट कर सकते हैं, ये देखो है ना, यहाँ पे जो बटन है इससे इसके अंदर लाइट जलती है और एक साउंड आता है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। और अंधेरे में अगर इसकी लाइट देखेंगे तो गाइज और भी ज्यादा अमेजिंग दिखाई देगी। तो अंधेरा करता हूं फिर आपको दिखाता हूं, एक सेकंड का वेट कीजिए। ये देखो गाइज बटन दबाता हूं और गाइज ये देखो अंधेरे में इसकी लाइटिंग कितनी ज्यादा अमेजिंग दिखाई देती है ना, साउंड भी काफी अच्छा है और लाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो गाइज काफी अमेजिंग वॉच है ये, है ना। लाइट्स ऑन कर लेते हैं गाइज, काफी ज्यादा मजेदार वॉच है गाइज ये बच्चों के लिए, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पे एक और बेंटेन वाली वॉच है, ये देखो इसके अंदर हम सिर्फ टाइम देख सकते हैं बट इसके ऊपर बेंटेन वाला पूरा पैटर्न बना हुआ है। देखो यहाँ पे बेंटेन लिखा है ना, बेंटेन बना हुआ है यहाँ पर ही, बेंटेन पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया और गाइज ये ओवरऑल कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी वॉच है बट गाइज ये मुझे फिर भी 100 रुपीज की मिली है, है ना, क्योंकि इसके ऊपर बेंटेन बना हुआ है इसलिए इसका प्राइस काफी ज्यादा है। और मेरे पास यहाँ पे बेंटेन वाले पैटर्न में एक कुछ इस तरह की कार है, ये देखो है ना कितनी अमेजिंग है, ग्रीन कलर की कार, पुश बैक वाली कार है, इसको पीछे खींचेंगे तो आगे की तरफ भागती है गाइस ये देखो है ना। और जो इसका डिजाइन है वो देखो पहले आप, डिजाइन कितना ज्यादा अमेजिंग, कितना ज्यादा यूनिक है ना। इसको भी गाइज यहाँ पे रख लेते हैं और गाइज ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक बेंटेन वाला कुछ इस तरह का बहुत ही अमेजिंग सा कैप्सूल वाले डिजाइन में पेन, ये देखो इसको मैं ओपन करूंगा तो गाइज ये देखो इसके अंदर एक पेन है ना, इसको एक नॉर्मल पेन की तरह यूज किया जाता जा सकता है बट इसके ऊपर जो बेंटेन वाला पैटर्न बना हुआ है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये देखो है ना कितनी अमेजिंग चीज। इसको गाइज यहां पे रख लेते हैं और गाइज इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास यहां पर एक बेंटेन वाली कुछ इस तरह की वॉच, जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ये देखो म्यूजिक लाइट एंड साउंड वाली वॉच है और गाइज जो इसके ऊपर बेंटेन का फेस बना हुआ है ये इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है। देखो यहां से मैं इसको रख लेता हूं और गाइज ये देखो यहां पे बेंटेन का फेस बना हुआ है, कितना ज्यादा अमेजिंग है, पूरा बेंटेन का पैटर्न यहां पे बना हुआ है, यहां पर भी बना हुआ है, ओवरऑल गाइज ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। और जो बेंटेन का फेस है हाथ में पहनेंगे तो गाइज कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। और गाइज देखो यहां से ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो यहां पे टाइम देख सकते हैं, इन दो बटन से हम टाइम सेट कर सकते हैं, 100 से 150 रुपए के बीच की आपको ये वॉच मिल जाएगी। और इस वाले से इसके अंदर लाइट एंड साउंड आता है कुछ इस तरह से, है ना। और गाइज इसका फेस बहुत ही ज्यादा ग्लो करता है अगर हम इसको अंधेरे में यूज करते हैं, तो एक सेकंड का वेट कीजिए गाइज। ये देखो गाइज वॉच मेरे हाथ में, मैं लाइट एंड साउंड वाला बटन दबाता हूं और गाइज ये देखो कुछ इस तरह से इसके अंदर से लाइट एंड साउंड आता है। और गाइज ये देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल ये दिखाई दे रही है, और बंद करने के बाद भी गाइज ये देखो इसकी लाइटिंग बहुत ही ज्यादा तेज है, तो काफी ज्यादा मजेदार है गाइज ये। लाइट्स ऑन कर लेते हैं
सो गाइज अगर आपको ये वॉच पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने इस तरह की अलग अलग कैरेक्टर वाली वॉचेस यूज की हैं तो भी कमेंट में जरूर बताना। और गाइज ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक ग्रीन कलर का फिडजेट स्पिनर जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, बैटमैन वाले डिजाइन में आता है गाइज ये। और गाइज ये देखो इसको जब हम घुमाते हैं तो घूमते टाइम ये कितना ज्यादा अमेजिंग दिखाई देता है, ये देखो है ना। ये गाइज 100 रुपए का मुझे मिला है 100 रुपीज में, इतना सा फिडजेट स्पिनर, और जो इसका डिजाइन है बैटमैन वाला ये अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग है। आप देख सकते हैं गाइज कितने ज्यादा अमेजिंग तरीके से घूमता है ना। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और गाइज इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और स्पिनर है जो कि गाइज कुछ ऐसा है, ये मुझे मिला है 50 रुपीज का, ये देखो। अगर आपको फिडजेट स्पिनर चलाना पसंद है तो कमेंट में बताना। ये देखो इसके ऊपर डिजाइन वगैरह देखो कितना ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा वेट है इसके अंदर और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। अगर मैं इसको फुल फोर्स के साथ घुमाऊंगा तो 2 मिनट तक ये आराम से घूम जाएगा। और गाइज ये देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का एक गोगल, ये देखो चश्मा जो कि ग्रीन कलर का है, बेंटन वाले कलेक्शन में मैंने इसको ऐड कर लिया क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही अमेजिंग बेंटन कलेक्शन का पार्ट हो, है ना। इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास है यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग मॉन्स्टर ट्रक, ये देखो गाइज ये कुछ इस तरह की मॉन्स्टर कार भी कह सकते हैं, ऑफ रोड रेसिंग कार होती है गाइज ये, और इसको चलाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको हमें फर्श पे कुछ इस तरह से चलाना है। इसके व्हील्स का साइज देखो गाइज कितना बड़ा है, ओवरऑल इसका साइज देखो गाइज वाओ कितना अमेजिंग है, मतलब इसकी बॉडी से ज्यादा बड़े तो इसके टायर्स दिखाई देते हैं, बहुत ही हैवी टायर्स हैं गाइस ये देखो। और एक टायर को मैं घुमाऊंगा तो सारे टायर घूमेंगे, ये देखो ये इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है, ये देखो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस, ये देखो वाओ यार काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो गाइस इसको यहां पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास है यहां पर एक ग्रीन लेजर पॉइंटर, ये देखो कुछ इस तरह का लेजर पॉइंटर है, ये आपको काफी कॉस्टली मिलेगा, ये एक लेजर लाइट से 20-30 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। लेजर पॉइंटर कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसके अंदर से कुछ इस तरह की ग्रीन लेजर लाइट निकलती है, और नाम आप इसका देख सकते हैं ग्रीन लेजर पॉइंटर। और गाइस ये देखो कुछ इस तरह के बॉक्स के अंदर ये आता है। सो गाइस जल्दी से इसको ओपन करता हूं और आपको यूज करके दिखाता हूं, है ना। अंधेरे में अगर हम इसका यूज करेंगे तो गाइस 2 किलोमीटर तक इसकी रेंज आराम से होगी, मतलब अपने घर से अगर आप यूज करेंगे तो बहुत दूर तक आप इसको देख सकते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा पावरफुल है गाइस ये। तो इसकी इसके अंदर 2 बैटरीज आती है, एक बैटरी ऑलरेडी डली हुई है, दूसरी बैटरी मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। अब हम इसको बंद करेंगे और इसको यूज करके देखेंगे गाइस ये किस तरह से वर्क करती है, देखो है ना। यहां पे देखो गाइस मैं अपने हाथ पे इसको चला रहा हूं तो गाइस ये देखो अलग अलग कैरेक्टर मेरे हाथ पे आ रहे हैं, देखो कुछ इस तरह का डिजाइन बन रहा है। और गाइस ये देखो मैं इसके आगे वाले पार्ट को घुमा के इसके डिजाइन को कुछ इस तरह से चेंज कर सकता हूं, ये देखो। सो गाइस हम सिंपली करते हैं इसको प्रॉपर अंधेरे में और दीवार पे यूज करके देख लेते हैं। सो गाइस ये देखो ग्रीन लेजर पॉइंटर को मैं अब दूर चलाने वाला हूं। सो गाइस ये देखो मैं अपने घर से इसको स्टार्ट करता हूं, और गाइस ये देखो इसकी रोशनी कितनी ज्यादा है। और गाइस ये देखो मेरे घर के पास वाला जो मकान है वहां तक आपको इसकी रेंज आराम से दिखाई दे रही होगी। और गाइस ये देखो अब इसकी रेंज कितने दूर वाले मकान तक दिखाई दे रही है। और गाइस ये देखो जो मेरे घर के सामने पहाड़ है वहाँ तक इसकी रेंज आराम से आपको दिखाई दे रही होगी। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है गाइस ये, आप देख सकते हैं है ना। और गाइस ये देखो यहाँ वाले मकानों पे कितने आराम से इसके लेजर पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा। सो गाइस अब इसको स्काई में चला के देखते हैं। सो गाइस ये देखो स्काई में आपको तारा दिखाई दे रहा होगा। और गाइस ये देखो ये लेजर पॉइंटर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, और गाइस ये देखो तारे तक ये कितनी आराम से जा रहा है ना। मतलब तारे तक तो नहीं जा रहा है बट गाइस आप देख सकते हैं इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा है ना। आसमान में आप इसको कितना क्लियर देख सकते हैं, ये देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लेजर लाइट है। और गाइस इसके आगे वाले पार्ट को मैंने खोल रखा है, अब इसके आगे वाले पार्ट को लगाकर इसको यूज़ करके देखते हैं। तो गाइस ये देखो प्लेन दीवार पर जब मैं इस लेजर लाइट को चला रहा हूँ तो गाइस ये देखो कुछ इस तरह से ये वर्क करती है, और जब इसके आगे वाले पार्ट को इसको ऐसे घुमाता हूँ तो गाइस ये देखो दीवार पर डिज़ाइन चेंज होता है, ये देखो गाइस है ना कुछ इस तरह से दीवार पर डिज़ाइन चेंज होता है। वाओ कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और गाइस ये देखो यहाँ पर पौधे हैं, पेड़ पौधों पर देखो इसका डिज़ाइन किस तरह से आपको दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस ये। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेजर पॉइंटर है गाइस ये, 2 किलोमीटर तक इसकी रेंज आराम से होगी, मज़ा आ गया इसको यूज़ करके। सो गाइस आपने देखा कि हमारी ये लेजर लाइट यानी कि ग्रीन लेजर पॉइंटर कितने ज्यादा अमेजिंग तरीके से वर्क करता है ना, मजा आ गया गाइस इसको यूज करके। और जो इसकी लाइट है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है गाइस, ये तो आपने देख ही लिया है। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और गाइस मेरे पास यहाँ पे ना कुछ शार्पनर और इरेजर के कॉम्बो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का एलियन वाला डिजाइन वाला शार्पनर, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर कुछ इस तरह की इरेजर्स हैं। और गाइस अगर हम इसको प्रॉपर ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो रोबोट वाले डिजाइन में ये एक शार्पनर और इरेजर का कॉम्बो है,
और गाइज ये देखो ओवरऑल इसका डिजाइन कुछ ऐसा दिखाई देता है। शार्पनर तो आपने बहुत देखेंगे बट इतने ज्यादा अमेजिंग डिजाइन वाले शार्पनर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और देखो ये कैट वाले डिजाइन वाला शार्पनर है, मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ, ये देखो है ना। बट जो इसका डिजाइन है, इसका डिजाइन देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि गाइज ये एक शार्पनर है। और गाइज ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी बॉल, और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो गाइज ये देखो ये भी एक शार्पनर है ना। कितनी अमेजिंग चीज, इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है गाइज। और यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह के एक छोटी सी कार वाले डिजाइन में एक शार्पनर है। इसको मैं यहां से ओपन करूंगा तो देखो डबल शार्पनर इसके अंदर लगे हुए हैं। एक पेंसिल को लंबा शार्प करेगा, एक पेंसिल को छोटा शार्प करेगा, है ना। इस तरह के शार्पनर आपको 20 रुपीज के आसपास मिल जाएंगे। और गाइज ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक और शार्पनर, ये देखो ये है गाइज कुछ इस तरह के ट्यूब वाले डिजाइन में शार्पनर है ना। और अगर हम इसको बंद करेंगे तो गाइज ये देखो इसका डिजाइन देखकर कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि एक शार्पनर हो सकता है। और गाइज ये देखो मेरे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह के बहुत ही अमेजिंग सा यूनिकॉर्न वाला इरेजर का सेट। ये देखो यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर एक यूनिकॉर्न है, एक क्राउन है, एक चाबी है, और एक देखो ये खजाने का बॉक्स है ना, इसके अंदर खजाना होता है कुछ इस तरह का। ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें इरेजर है, यहाँ पे यूनिकॉर्न इरेजर लिखा भी हुआ है। इस तरह का सेट आपको 50 रुपए के आसपास मिल जाएगा। और गाइज इसके बाद गाइज ये देखो मेरे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह की एक चीज जो कि गाइज एक मैजिकल चीज है। पहले आप इसका साइज देखो है ना। और गाइज ये कप है जिसके अंदर हम चाय पानी कॉफी वगैरह पी सकते हैं, बट जो इसका साइज है इतना कम है ना। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो इसको मैं यहां से ओपन करता हूं। और गाइज ये देखो इसके अंदर कुछ इस तरह की लेयर्स हैं, अगर मैं इन लेयर्स को खींचूंगा तो गाइज ये देखो ये कुछ इस तरह का एक बहुत ही बड़े साइज का कप बन जाता है ना। और गाइज इसको वॉश भी कर सकते हैं, इसके अंदर पानी चाय कॉफी कुछ भी डालेंगे तो ये लीक भी नहीं होगा। और अगर हम इसको बंद करेंगे तो गाइज ये देखो इसका साइज कुछ इतना हो जाता है। और ओपन करने के बाद गाइज इसका साइज देखो, ये देखो कितना बड़ा इसका साइज हो गया, ये देखो है ना। तो काफी अमेजिंग है, इसको मैजिकल कप हम कह सकते हैं। ओवरऑल गाइज ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और गाइज ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक प्यारा सा योयो जो कि गाइज कुछ ऐसा दिखाई देता है। इससे पहले ही मैंने आपको योयो दिखाए हैं, मुझे यूज करने नहीं आते हैं। देखो इसके अंदर कुछ इस तरह से धागा होता है, इसको ऐसे फेंकते हैं और वापस खींचते हैं तो गाइज ये हाथ में वापस आ जाता है। देखो यहाँ पे इसके अंदर ग्रीन कलर का धागा है, सुपर योयो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको यूज करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, मैं इसको यूज नहीं कर पाता हूं। बट जिन लोगों को योयो यूज करना आता है वो मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और गाइज ये देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का एक इरेजर का सेट, ये देखो गाइज इसके अंदर कितने अमेजिंग डिजाइन वाली इरेजर हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि डाइस हो, ये देखो है ना, डाइस समझते हैं ना आप गाइज, ये देखो इस तरह के डाइस, ये देखो है ना। और गाइज इनके कलर्स देखो, व्हाइट ब्लू और ऑरेंज। और गाइज ओवरऑल गाइज आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ये डाइस हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग है ना, मजेदार है गाइज। और गाइज ये पूरा ही इरेजर का सेट है, इससे हम कुछ इस तरह से पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं, ये इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है। और तो और गाइज ये देखो मेरे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह का एक टॉय जिसके अंदर गाइज हमारे पास अंगूठियां हैं, काफी प्यारी प्यारी अंगूठियां। मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, मैंने इससे पहले भी आपको इस तरह के सेट दिखाए हैं बट उनके अंदर जो अंगूठियां थी वो काफी अलग थी। ये देखो ये देखो ये गाइज टमाटर वाले डिजाइन वाली अंगूठी है ना। और गाइज ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह की डॉल्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक टेडी बियर है, ये कुछ इस तरह की क्यूट सी गर्ल है। ये देखो ये पूरा ही अंगूठी का सेट है जिसको हम अपनी उंगली में पहन सकते हैं। ये देखो यहाँ पे हार्ट है, छोटा सा दिल, कुछ ऐसी ये दिखाई देगी। और यहाँ पे जो एक गर्ल्स वाले कैरेक्टर है ये भी काफी ब्यूटीफुल है। ये देखो काफी प्यारा सा ये अंगूठी का सेट है ना। ये देखो गाइज कुछ ऐसी ये दिखाई दे रही है, तो काफी ज्यादा मजेदार है गाइज, ये मुझे काफी यूनिक सी चीज लगी तो मैं आपके लिए ले आया। और तो और गाइज हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सी कुछ इस तरह की एक गन जो कि गाइज कुछ ऐसी दिखाई देती है ना, छोटी सी पतली सी गन है, ये स्प्रिंग वाली गन है। और जो इसके साथ गोली आती है वो गाइज कुछ ऐसी दिखाई देती है। देखो गन आप देख सकते हैं, गोली आप देख सकते हैं, छोटा सा टॉय है बच्चों खेलने के लिए। गोली को यहां पर लगाएंगे और गाइज देखो ये ट्रिगर है, इसको दबाएंगे तो गाइज ये देखो गोली कुछ इस तरह से चलती है, काफी पावरफुल है ये अपने साइज के हिसाब से। ये देखो गाइज ये देखो है ना, छोटी सी गन है बट ज्यादा पावरफुल है गाइज, काफी ज्यादा पावरफुल है। और गाइज आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज दिखाए जो कि अपने आप में काफी ज्यादा मजेदार थे। एक दो टॉयज रह गए हैं, वह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, इन सभी टॉयज में से आपका सबसे फेवरेट टॉय कौन सा उसका नाम मुझे कॉमेंट बताना। सो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में जिंग अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइज।